अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर हाजिर है नए रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है पेशावरी नमकीन गोश्त, जो बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो बिना देरी किए हुए चलिए फटाफट आपको बताते हैं कि कैसे बनाना है। ये हमने पॉट रख दिया है, अब इसमें तेल डालेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें एक स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, अच्छे से भूनेंगे। उसके साथ ही साथ इसमें गोश्त डालेंगे, ये भी साथ ही साथ भूनेंगे। गोश्त का कलर चेंज होने तक को अच्छे से तलेंगे गोश्त को। देखिए गोश्त को अच्छे से तल लिया हमने। अब हम इसमें दो हमने लाल साइज के टमाटर लिए हैं, इसकी स्किन निकाल दी है और उसको ऐसे मोटा मोटा काट लिया है, ये डालेंगे। और इसमें लाल मिर्च नहीं पड़ती, इसमें हरी मिर्च पड़ती है। तो चाहे आप हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें या ऐसे मोटे मोटे काट के डाल दें या बारीक काट के डाल दें, या आपकी मर्जी, ये भी इसी में जाएगा। टेस्ट के हिसाब से आप अपना डालेंगे कितना तीखा आपको खाना है। अभी एक स्पून भर के ब्लैक पेपर है, ये भी इसी में जाएगा, नमक जाएगा। उसका फिर एक बार अच्छे से तल लेंगे। अब थोड़ी देर हम उसको ऐसे ढक के बनाएंगे, उसके बाद जब ये टमाटर पूरा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा फिर इसमें पानी डाल के फिर इसको गलने तक छोड़ देंगे। देखिए हमारा टमाटर जो है अच्छे से गल गया है, अब इसको हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको गोश्त गलने तक इसको पकाएंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त गल के रेडी है। अब इसमें चाहे आप इसको ग्रेवी वाला बना लें, चाहे इसको सुखा के बिल्कुल सूखा सूखा खाएं, ये आपके ऊपर है। गोश्त रेडी है, इसमें थोड़ा सा ऊपर से ब्लैक पेपर और डालेंगे। और ये एक मोटी मिर्ची है, ये तीखी नहीं होती, तो बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए डालेंगे, उसको मोटी मोटी करके ऐसे डाल देंगे। बहुत मजे का मटन बनता है, इसको चाहे आप मटन में बनाइए, चिकन में बनाइए, बीफ में बनाइए। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो देखिए हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त बन के रेडी है। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह।